नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज़, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। लगातार सीए और एनआरसी के खिलाफ हो रहा आंदोलन, लगभग 60,000 की प्लेसों पे आंदोलन लगातार हो रहा है और सभी महिलाओं की, सभी जो है ख्वातीनों की एक ही मांग है कि सरकार ये विवादित जो कानून है नागरिकता संशोधन कानून, इसे वापस ले। लेकिन पहले ही केंद्र सरकार इस पर स्पष्ट कर चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह जी स्पष्ट कह चुके हैं कि हम किसी भी कीमत पे इस कानून के मामले में एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन वही शाहीन बाग से लेकर घंटाघर से लेकर के प्रयागराज के रोशन बाग तक और पटना के सब्जी बाग हो, यानी हर जगह जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह महिलाएं यही कह रही हैं, अगर गृह मंत्री जी एक कदम पीछे से ये नहीं लेने वाले हैं तो हम एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आइए हम बात करते हैं लोगों से कि लोग क्या कहना चाहते हैं। घंटा घर पर इस समय हम लोग खड़े हैं, ऐतिहासिक शहर है, आप जानते हैं लखनऊ अदब का शहर माना जाता है, और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे लोग इस कानून के बारे में कितना जानते हैं और कानून का विरोध वो क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ पहले एक सच्चे नहीं से बात करते हैं जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाबिर नाम है। ये आप क्या करने यहाँ पे आए हैं? ये हमारी माताओं बहनें हमारी जो आई आंदोलन में बैठी हुई हैं उनके साथ में आया हूँ। जो हमारे माताओं बहनों, मैं जिला बाराबंकी तहसील फतेहपुर ग्राम मोहम्मद खाला का रहने वाला हूँ। नाम क्या आपका? मेरा मोहम्मद जाबिर है। अच्छा। मरियाओं में मैं किराए पर रहता हूँ। मैं यहाँ माताओं बहनें में जो मेरी आई हैं फतेहपुर से, उनके साथ में मैं आया हूँ। जो हमारी माताओं बहनें यहाँ पे जो आई हैं, क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि जो हमारी माताओं बहनें जो बैठी हैं आंदोलन में बैठी हैं, भूखी प्यासी बैठी हैं, उनकी तरफ से मैं योगी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो सम्मेलन किया है ये गलत किया है, या हिंदुस्तान छोड़ करके हम लोग नागरिक हिंदुस्तान। क्या है ये, मालूम है आपको क्या है ये? ये संघर्ष तो मतलब जो कानून ये है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? बेदो जो हमारे हिंदुस्तान से भगाना चाहते हैं, इस वजह से मैं करना चाहता हूँ। भगाना चाहते हैं, कहते हैं मुसलमानों को शामिल नहीं किया, मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाता। बताइए क्या नाम है आपका? जी मुझे शुएब हसन कहते हैं। बताइए क्या कहना है आपको इस कानून पे? वास्तव में देखिए, मैंने जैसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मैं जो है देश के हर कानून, देश का सम्मान करता हूँ, देश के नागरिकों का सम्मान करता हूँ, देश के कानून का सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका के सराखों पर तस्लीम करता हूँ उनके कानून को और उनके हर फैसले को। लेकिन यहाँ पे हम सीए के खिलाफ ना आते, हम एनपीआर के खिलाफ हम ना आते, बिल्कुल ना आते। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये कि हमारे जो गृह मंत्री जी जो हैं, हमारे जो हैं और प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो उन्होंने जो है मतलब ये जो फैसला जो उन्होंने रखा है वो धर्म, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी हमें इस वजह से असंतोष है और प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से भी हमें इस वजह से असंतोष है। चाहते क्या है बताइए, चाहते क्या है? चाहते ये कि देखिए इसमें हमारे समुदाय को, मतलब हमारे समुदाय के मतलब हर समाज के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। जो सीए कानून जो है और एनपीआर में रजिस्टर जो है उसमें मतलब सारे धर्मों के लोगों को शामिल किया जाए। एनपीआर में सब शामिल है, पूरे भारतवासी शामिल है, उसमें पेपर देंगे सब, अपना पूरा बायोडाटा उसमें देंगे, वो तो एनपीआर सबके लिए जी। सीए में हम लोग को शामिल नहीं कर रहे, इसी वजह से हमें जो है शिकायत इनसे है और हम चाहते हैं सीए में जो है साबित सभी, ये तो आपके लिए है ही नहीं ना, वो तो बाहर के लोगों के लिए है, अफगानिस्तान नहीं, बाहर के लोगों के लिए, लेकिन पाकिस्तान के, हाँ तो अल्पसंख्यक धार्मिक हिंदू हैं उनके लिए नहीं, तो जिन्होंने कहा जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित शब्द का जिन्होंने प्रयोग किया, तो पीड़ित जो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में पीड़ित मुसलमान भी तो पीड़ित है, बल्कि मुसलमान ज्यादा पीड़ित है। आप देखिएगा, आपने खुद देखा होगा जो है मस्जिदों में जो है बम मार के आतंकवादी भाग जाते हैं, स्कूलों में मार के भाग जाते हैं, तो सबसे ज्यादा तो जो है देखा जाता है बांग्लादेश हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान, सबसे ज्यादा पीड़ित मुसलमान हम ही है। तो हमारे मतलब इन्होंने जो आधार बनाया है वो धर्म को आधार बनाया है, ये धर्म को इन्होंने आधार बनाया, ये गलत है ना। धर्म का किसी क्या दिक्कत है? कानून को धर्म के आधार पर उन्होंने बनाया जाता है, कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? आग लग जाती है घर में, जब आग लग जाती है तो पूरे पेपर जल जाते हैं, तो वो कहाँ से आदमी प्रूफ कर पाएगा? बाढ़ आती है बिहार में, पूरे बाढ़ में पेपर खराब हो जाते हैं, तो कहाँ से आदमी प्रूफ कर लेगा? और दूसरी चीज, गृह मंत्री हमारे चार कागज मान नहीं रहे, गृह मंत्री जी कहते हैं संसद के अंदर 3 पक्ष का नाम लेते हैं, अगर 1 पक्ष का और बढ़ा ले तो क्या होगा? भेदभाव उन्होंने किया। और दूसरी चीज, ये 3 तलाक पे बहुत उछलते थे महिलाओं के सम्मान की बात, सम्मान की बात, आज यहाँ 16 दिन से यहाँ महिलाएं बैठी हैं, 15 दिन से बैठी हैं यहाँ महिलाएं, इतने दिन से यहाँ बैठी हैं, आज उनका दर्द कहाँ है? 56 इंच का सीना आज उनका क्या 0 इंच हो गया है? आज उनका दर्द किधर है? आज महिलाओं के हक की बात करते हैं यहाँ, रात भर महिलाएं उसमें बैठती हैं, आज उनका दर्द नहीं आता है? बहुत 3 तलाक चिल्लाते थे कि दर्द होता है जब मुस्लिम महिलाएं छोड़ी जाती हैं, आज वो दिखावे का उनका झूठा नकाब उतर चुका है महिलाओं का। यहाँ टेंट क्यों लगा है? टेंट कहाँ लगा है?
अगर आप इतनी महिलाओं का सहयोग लिया जाता हो तो लगता ना, अगर आप इतने आप सब लोग अगर आप इतनी महिलाओं के लिए अगर इतने सम्मान करते तो यहाँ पे टेंट लगाने देते। अगर उनकी पुलिस हमारा खाना महिलाओं का छीन के ले जाती है, कम्बल ले जाती है, जास्ती पे जास्ती करती है, और आप कहते हैं महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, इतना शर्मनाक बयान देते हैं, और बिहार में एक ठाकुर है वो क्या कहता है, जैसे गद्दारों को गोली मारो, सबसे बड़े गद्दार आरएसएस वाले हैं, सबसे पहले आरएसएस को गोली मारें, वो ठाकुर साहब जो कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो। ऐ आप ये बात करते हैं, आप इतने ऊंचे पद पे, आप शायद अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हो? जी हाँ, वो वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री है, राज्य मंत्री है। आप ये बात, आपके बाद भी ये शोभा करती है, आप ये बात करते हैं, आप इतने बड़े पद में आप ये बात करते हैं। संविधान के दायरे में बात करनी चाहिए, तो उनको संविधान के दायरे में बात नहीं की, इन्होंने जहलियत वाली बात की है, ये देश की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं ये लोग। बताइए, इतने बड़े पद पे बैठे हुआ आदमी ऐसी बातें कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? जी शाहरुख। कहाँ से हो? यहीं से। बहुत तगड़ा जो है विरोध करने का लिख लिया है। मैं विरोध नहीं करता हूँ, मुझे जो गुस्सा है कानून का, मुझे जो इस कानून से गुस्सा है, अगर गृह मंत्री जी संसद के अंदर जो इन्होंने आधार बनाया धर्म बनाया वो उसको दुख है, मैं घुसपैठी का जो इन्होंने आधार बनाया धर्म बनाया है, कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो मतलब है मुस्लिम आदमी है वो अगर अपनी जो है नागरिकता को नहीं साबित कर पाएगा, प्रूफ नहीं कर पाएगा, उसको तो हम घुसपैठिया मान लेंगे, लेकिन जो गैर मुस्लिम है मतलब है उसमें जैसे सिख भाई हमारे हैं, ईसाई हैं हमारे, और यहूदी ईसाई लोग हैं, जैन लोग हैं हमारे, हिंदू भाई हैं, उनको तो कह रहे हैं हम पीड़ित मान लेंगे, लेकिन जो मुसलमान है अगर वो मतलब अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाएगा तो उसको घुसपैठिया मान लेंगे। आपको थोड़े निकाल रहे हैं, इंडिया के मुसलमानों के लिए कानून है ही नहीं, यह कानून है अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान के धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए कानून है। अभी जो इन्होंने घुसपैठिया वाले जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, घुसपैठिया तो यही कह रहे हैं कि जो मतलब भारतीय मुसलमान अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे उनको हम घुसपैठिया मान लेंगे। क्या कह रही हैं आप, बताइए क्या कहना है? नखलाओं में रहेंगे और जो ये लगाया कानून वो नहीं होना चाहिए। कौन सा कानून लगा है अम्मा बता है? अरे दादा बीड़ी की पकास हम लोग कागज पत्तर लाए होगा भी तो नहीं देंगे। अच्छा हाँ भैया, हाँ बताइए क्या कहते हैं, बोलिए। ऐसे लोगों से आप पूछिए जिनको सब मालूम हो, और उनसे क्या पूछ रहे हैं, अंगूठा छाप से? अंगूठा छाप से कुछ ना पूछिए, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो मीडिया के सामने बोल सकता आप उससे सवाल करिए, जिसको जितना नॉलेज नहीं है उससे सवाल मत करिए आप, ठीक है? क्या दर्द है, क्या बताइए आप? हमारे दिल में बहुत दर्द है, आप बताइए, हम आवाज पहुँचाएंगे वहाँ तक, बताइए। दर्द ये, उन्होंने 3 तलाक का किया, हमने कुछ नहीं बोले, हम लोग ने वो कर लिया, उन्होंने हाँ फिर सीए लागू कर रहे हैं, क्यों लागू कर रहे हैं ये बताइए। लागू हो चुका, लागू हो गया, बाप दादा कागज हम कहाँ से दिखाएंगे? पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, कोई ऑर्डर आईडी नहीं थी उनके पास में, कुछ बोल नहीं पा रहे भैया।